दिया कुमारी से बात की हमारे सहयोगी ने आयुष। पीछे चल रहा है जॉइनिंग अस नाउ एक्सक्लूसिवली मिस दिया कुमारी मैम, मेनी थैंक्स फॉर स्पीकिंग विद एनडीटीवी। यू आर पॉइज्ड टू विन एंड पॉइज्ड टू विन योर विद्याधरनगर सीट। क्या आप आश्वस्त हैं पूरी तरीके से कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से वापस आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है और मध्य प्रदेश में बन रही है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ी जीत होने वाली है। बहुत खुशी है सब में, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जनता में भी है। जनता अपने उखाड़ फेंक दी है इस कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी अच्छी सरकार, स्थिर सरकार जो जनता के लिए काम करे, जनता के हित के लिए काम करे, महिलाओं को सुरक्षा दे, युवाओं को रोजगार दे, किसानों को न्याय दिलाए, ऐसी सरकार के लिए जनता ने वोट किया है, राजस्थान की जनता ने। क्या फैक्टर रहा, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? अभी परिणाम पूरी तरीके से नहीं आए लेकिन बीजेपी के ये जो नतीजे सामने दिख रहे हैं, क्या सबसे बड़ा फैक्टर रहा? महिलाओं की तादाद बहुत बड़ी है यहाँ पर, आपके तमाम समर्थक यहाँ पर आए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? क्या ये मोदी फैक्टर है, वसुंधरा फैक्टर है, दिया कुमारी फैक्टर है, महिला फैक्टर है, क्या फैक्टर है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है और पूरी तरह से मोदी सरकार पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है जनता ने राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। खुशी की लहर है पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में और इसमें लोकसभा में तो पता नहीं कितनी सीटें आएंगी इस बार, तो बहुत ही खुशी की बात। और एक बार ये बताइए, यहाँ पर आपके तमाम समर्थक ये कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्या आप राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी? ये तो बहुत ही सवाल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री। तो आपने ये डिसीजन आला कमान पे छोड़ा हुआ है? मैंने क्या सपना छोड़ रखा, इसमें हमें तो रिस्पॉन्ड करने का भी कोई मतलब नहीं। ऑलराइट, दैट वाज दिया कुमारी स्पीकिंग एक्सक्लूसिवली टू एनडीटीवी सेइंग दैट शी हैज लेफ्ट द